आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर चुनाव से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दी। पूर्णिया समाहरणालय सभागार में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि आगामी 7 नवम्बर को होने वाले तीसरे चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिले के सभी 7 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 21,12,847 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 10,95,952 है, जबकि महिला मतदाता 10,16,816 है। वहीं 69 ट्रांसजेंडर मतदाता भी पूर्णिया जिला में है। यहां मतदान केंद्रों की संख्या 3,098 है, जबकि एक चलंत मतदान केंद्र बनाया गया है जो अमौर विधानसभा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय सिमलबारी नगरा टोला परिसर में है। चुनाव में कोविड के मद्देनजर भी विशेष ध्यान रखा गया है। सुनिए जिला पदाधिकारी से निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार ने क्या कहा है संपूर्ण जानकारी में। जहाँ जहाँ होना है उनके साथ पूर्णिया जिले में भी नोटिफिकेशन निर्गत किया गया है। आज सुबह में 700 निर्वाचित पदाधिकारियों के द्वारा और इसी के साथ नामांकन की भी शुरुआत हो गई है। 20 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। 21 तारीख को स्क्रूटनी होनी है और 23 तारीख को नाम विड्रॉ करने की आखिरी तिथि है। मतदान 7 नवंबर और मतगणना की तिथि 10 नवंबर को है और मतदान का समय इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, जो पूरे जिले में सभी बूथों के लिए लागू है। इस बार 7 विधानसभा क्षेत्र में 1 मतदान केंद्र है, अमौर में बूथ संख्या 74 है। प्राथमिक विद्यालय सिमलबारी नगरा टोला परिसर जो है वो हमारा अस्थायी मतदान केंद्र है, क्योंकि जो मूल भवन है वो कटाव में विलय हो गया था। इस बार जिले में जो इलेक्टर्स हैं वो 21,12,847 जिसमें 10,95,952 मेल इलेक्टर्स और 10,16,816 फीमेल इलेक्टर्स और 79 थर्ड जेंडर के इलेक्टर्स हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि जो इलेक्टर डिटेल्स हैं, इलेक्टर रोल में हम लोग का जेंडर रेशियो इम्प्रूव किया है। फाइनल पब्लिकेशन के बाद भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन में 917 था जेंडर रेशियो, फाइनल पब्लिकेशन में 919 था और आज की तिथि में ये बढ़कर 928 हुआ है, जबकि सेंसस में हमारे जिले का जेंडर रेशियो 921 है। इसका मतलब एक मतदाता सूची में जो प्रति 1000 पुरुष मतदाता के विरुद्ध 928 महिला मतदाता हैं, जबकि सेंसस में प्रति 1000 पुरुष जनसंख्या के विरुद्ध 921 महिलाओं की जनसंख्या है। जिले में कुल 3,098 मतदान केंद्र रहेंगे, जिसपे 7 नवंबर को निर्वाचन होगा। इसमें 2,057 मुख्य मतदान केंद्र है और 1,041 सहायक मतदान केंद्र है। टोटल 1,213 पोलिंग स्टेशन लोकेशन है, परिसर है वो 1,213 है, जिसमें से 84 शहरी क्षेत्र में और 1,129 ग्रामीण क्षेत्र में है। हम लोग इस बार सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में न्यूनतम 5-5 आदर्श मतदान केंद्र और एक एक ऐसा मतदान केंद्र जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के द्वारा संचालित होगा। इसके अतिरिक्त काफ़ी अधिक संख्या में ऑल विमेन पोलिंग स्टेशंस भी होंगे और लगभग 1000 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां पे मिक्स्ड पोलिंग पार्टी यानी 2 पुरुष और 2 महिला मतदान कर्मी उसमें शामिल होंगे। 1020
गश्ती दलों का जो पीसीसीपी जिसको बोलते हैं पेट्रोलिंग पंप कलेक्टिव पार्टी, गश्ती दलों का गठन किया गया था 1020। और इस बार कोविड को देखते हुए जो व्यवस्था की जा रही है उसको हम लोगों ने अपने प्रशिक्षण का भी एक मुख्य पार्ट बनाया है और सभी मतदान कर्मियों को उनके लिए कोविड सेफ्टी किट जो दिया जा रहा है उसमें प्रत्येक मतदान कर्मी को ग्लव्स, 6-6 मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर इंडिविजुअली सबके उपयोग के लिए दिया जा रहा है। उसी तरह इस बार मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था होगी, जो आने वाले सभी इलेक्टर्स को पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, अगर तापमान सामान्य है तो उनको क्यू में लग के वोट देने की अनुमति रहेगी, तापमान अधिक होने पे उनको कुछ देर ठहर के फिर से दोबारा तापमान लेने की व्यवस्था होगी, फिर भी अधिक पाया जाने का, अधिक का मतलब है 100.4 डिग्री फारेनहाइट यानी 100.4 से अधिक सेल्सियस में 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पे उसको सस्पेक्टेड केस में मानते हुए हम लोग अंतिम एक घंटे में यानी शाम को 5 से 6 के बीच में आने के लिए एक कूपन देंगे। वो इस बार सभी मतदान दलों को हम लोग थैले में प्री प्रिंटेड कूपन भी देंगे जिसका दस्तावेजीकरण भी किया जाएगा, रजिस्टर में अंकित किया जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग 10 लोग 15 लोग जितने लोग शाम को फिर से दोबारा आ सकते हैं, तो ये व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार सभी इलेक्टर्स को एक 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 हाथ के लिए ग्लव्स भी दिया जाएगा और इस बार जब वो अंदर जाएंगे तो उन्हें ऐसे मतदाता जो हस्ताक्षर नहीं करते हैं और स्टैंप पैड से अंगूठा लगाते हैं रजिस्टर में, उनको एक ही स्टैंप पैड से सबको अंगूठा लगाने की जगह सबको हम लोग कॉटन बड्स देंगे ताकि अलग अलग जो कॉटन का जो टुकड़ा होगा उस पर वो लोग इंक के माध्यम से अपना स्टैंप लगाएंगे हाथ से और उसको फिर डिस्पोज कर दिया जाएगा। इस बार कोविड जो मटेरियल्स हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट की श्रेणी में आ जाएंगे तो उनके डिस्पोजल के लिए भी विस्तृत तैयारी की जा रही है। सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर्स बनाए गए हैं इसके लिए 225 की संख्या में। उनका काम होगा कि शाम को जब मतदान हो जाएगा तो वहाँ पे जो हरेक सेंटर पे हम लोग आशा और आंगनबाड़ी और ANM वर्कर्स को दे रहे हैं उनके कस्टडी में ऐसा डस्टबिन होगा जिसमें ये सारे या तो कॉटन बड्स हो या मतदाताओं के द्वारा खोले गए ग्लव्स हों, ये सब उसमें एकत्रित किया जाएगा और शाम को उसी दिन गाड़ियों के माध्यम से सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर प्रत्येक बूथ से कलेक्ट करके PSC पे लाएंगे और PSC पे फिर उसको अगले दिन जो बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल की एजेंसी है जिले में सिनर्जी कंपनी जो है वो जो उनका प्रोटोकॉल है वो वहाँ से कलेक्ट करके उसके डिस्पोजल के लिए आगे ले जाएंगे। तो इस बार कोविड सेफ्टी पर भी विशेष तैयारी की जा रही है और जिले में आदर्श आचार संहिता के भी अनुपालन के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है, उससे संबंधित केसेस के बारे में SP साहब बताएंगे और CCA के भी जो प्रस्ताव पारित प्राप्त हुए हैं उसके विरुद्ध अभी तक 89 जो 111 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें से 89 के विरुद्ध CCA के अंतर्गत आदेश पारित किया जा चुका है। जिले में 2 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स का आगमन हो चुका है, हम लोगों ने उनका नाम और मोबाइल नंबर उनके ठहराव का स्थल ऑलरेडी विज्ञापन भी दे दिया है अखबार में और आप लोग सभी माध्यम से चाहते हैं कि लोगों को जानकारी हो। सी विजिल ऐप के लिए भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि किसी भी व्यक्ति को अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के संदर्भ में कोई सूचना मिलती है या वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो अपने पहचान को बताते हुए या अपने पहचान को गोपनीय रखते हुए वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की शिकायत ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ऐसी सभी शिकायतों को 100 मिनट के अंदर हम लोग डिस्पोज करते हैं, इसके लिए जिले में 23 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम भी गठित की गई है। नॉमिनेशन शुरू होने के साथ ही यानी आज दिनांक 11 तारीख से जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का जो सेल है वो अब 24/7 3 शिफ्ट में वो चल रहा है और कहीं भी पैसे बांटने शराब या इस संबंध में कोई भी जो एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए मामले हैं उसकी शिकायत दिन के किसी भी अवधि में रात के किसी भी समय उन नंबरों पे फोन करके उसके संदर्भ में बताया जा सकता है। उसी तरह से वोटर हेल्पलाइन
1950 अभी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक चल रहा है और प्रतिदिन उस पर सैकड़ों कॉल्स भी हम लोग को रिसीव हो रहे हैं। तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जो पूरे इलेक्शन मशीनरी है उसके सहयोग के साथ हम लोग आगामी जो 7 नवंबर को चुनाव है उसको सफलतापूर्वक संपन्न करा रहे हैं। सर, कोरोना संक्रमितों के लिए कुछ विशेष प्रावधान? सर, कोरोना संक्रमितों के लिए दो तरह की व्यवस्था की जा रही है। एक तो पोस्टल बैलेट से जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं इसका विकल्प है, और दूसरा है कि दिन के अंतिम घंटे में, मतदान के अंतिम एक घंटे में उनको सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट जिससे ये पता रहे कि वो कोरोना पॉजिटिव है, जो हेल्थ ऑफिशियल से दिया जाता है, उसके साथ वो मतदान केंद्र पे आके अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। वो डेटाबेस हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग भी मेंटेन कर रहे हैं। जैसे आज के दिन में लगभग 300 से कुछ अधिक व्यक्ति जिले में एक्टिव केसेज है कोरोना के, उसमें से कुछ ऐसे भी केसेज हैं जो 18 वर्ष से कम के, तो प्रतिदिन हम लोग उसको मेंटेन कर रहे हैं ताकि उस अवधि में जब चुनाव का दिन आएगा उस समय जो एक्टिव केसेज होंगे तो हम लोग केस टू केस सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर के माध्यम से भी उनको बुलाकर मतदान केंद्र पे अंतिम एक घंटे में उनके मताधिकार का प्रयोग वो कर सके, इसको हम लोग फैसिलिटेट करें। इसके साथ एक और नई चीज़ इस बार हुई है कि 80 ईयर्स प्लस के जो सीनियर सिटीजन्स हैं और पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, ये दोनों कैटेगरी मिलाकर जिले में 45,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या है। तो अभी पिछले एक सप्ताह में हम लोगों ने ऐसे सभी 45,000 मतदाताओं के घर BLOs को भेजा और खाली फॉर्म 12D वो उनको हम लोगों ने उपलब्ध कराया, और उस उपलब्ध कराने के बाद उनसे एक्नॉलेजमेंट लिया जिसमें उनको पूरी प्रक्रिया बताई गई कि इस बार उन्हें पोस्टल बैलेट से भी मतदान करने का अधिकार है, और दो ऑप्शन उनको दिया गया कि या तो आप पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे या मतदान के दिन अपने बूथ पर जाके मतदान करेंगे, और इन दोनों में से एक विकल्प उनको चुनना था। ये सारा एक्नॉलेजमेंट हम लोग के पास आज तक प्राप्त हो गया है सभी 7 निर्वाची पदाधिकारी के पास, और अब आज से जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट ऑप्ट किया उनमें उनके घर फिर से हमारे BLO जाएंगे आज से लेकर 17 तारीख के बीच में, यानी मतदान नामांकन शुरू होने के पहले 5 दिन में, और उनसे जिन्होंने पोस्टल बैलेट ऑफ किया है उनसे भरा हुआ फॉर्म 12D अब हम लोग कलेक्ट करेंगे। वो काम आज से शुरू हो रहा है और ये 17 दिन चलेगा। इन 5 दिनों में जितना हमारे पास भरा हुआ फॉर्म 12D प्राप्त होगा उनके विरुद्ध निर्वाची पदाधिकारी पोस्टल बैलेट इशू करेंगे जब कैंडिडेट फाइनलाइजेशन हो जाएगा, बैलेट फाइनलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद, और ऐसे सभी व्यक्तियों के घर चुनाव की तिथि के पूर्व मतदान दल बनाकर जिसमें साथ में सुरक्षाकर्मी भी होंगे, उनको वीडियोग्राफर भी होंगे, और कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म करके हम लोग ऐसे लोगों के घर घर भेज के पोस्टल बैलेट से उनका मतदान करवाएंगे। ये इस बार नई व्यवस्था की गई है जो 80 ईयर्स प्लस और पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए। जो हमारे कार्मिक हैं जो हजारों की संख्या में जो चुनाव करने लगते हैं, तो प्रथम चरण की ट्रेनिंग चल रही है उसमें उनके पोस्टल बैलेट के फॉर्म 12 भर के लिया जा रहा है, और द्वितीय चरण की ट्रेनिंग जब इस माह के अंत में शुरू होगी 28 तारीख से, उसमें हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने कर्मियों का भी मताधिकार वो कर सके, इसको फैसिलिटेट। आप देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ।